ड्रेनेज पिछली बार जो बेसिक फैसिलिटी है जैसे हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं उनका ओवरऑल सिनेरियो देखना है कि भाई क्या है, उनकी टाइमलाइन क्या है, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो उसी के सिलसिले में हमने जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सबसे पहले विजिट किया, उसके बाद जो ये हमारा बस स्टैंड यहाँ पर बन रहा है, बाज़ार का देख रहा है, साफ़ सफाई हो गया, पार्किंग या वहाँ पर हमारा कुछ प्लेसेस जो ऐसी हैं जहाँ पे पब्लिक की डिमांड है कि वहाँ पे पार्क बनना चाहिए रोड्स को लेके, तो इन सारी चीज़ों का जो है वो हमने ऑन स्पॉट दौरा किया है। अब
इसमें देखते हैं कि जल्दी जल्द से जल्द इसमें जो है वो क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है और कैसे पब्लिक के लिए जो है वो राहत बनेगी। और उसमें सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की रहेगी। अब प्रोजेक्ट है, इसमें टाइम लगता है, तो अभी लगभग 40% के करीब काम हुआ है इसमें हमारा, तो अब आने वाले टाइम में होपफुली जो है इस फाइनेंशियल ईयर में कम्प्लीट हो जाएगी। एटलीस्ट जो है अगर पूरा नहीं होगा तो एटलीस्ट जो है वो पहले एक दो फ्लोर जो है वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है वो फंक्शनल हो जाए, सो दैट के जो हमारा बेसिक जो बस स्टैंड का काम है, बसेस की पार्किंग का होना है, ताकि ये जो कंजेशन जो बाज़ार में होती है ये कम से कम जो है वो बस स्टैंड के अंदर एक दो महीने में जो है बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें राहत मिल जाएगी, क्योंकि सारी पार्किंग जो प्लेसेस हैं हमारी वो वहाँ पे जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वो अंदर स्पेस में चली जाएंगी, स्पेस भी ज़्यादा होगा और अच्छा वहाँ पे एक नया मतलब वो भी बनेगा, जो बिल्डिंग नई है उसमें नई इस्टेब्लिशमेंट्स होंगी, तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी पूरी कनेक्टिविटी।